नमस्कार, जय हिंद। मैं विशाल यादव और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज। सर, एक बार फिर गिरे राहुल गांधी। जी हां, इस बार पंजाब में राहुल गांधी ने वो कारनामे किए हैं जिसको सुनकर आप भी दहल उठेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पंजाब जाते हैं और वहां पर खेती बचाओ यात्रा में शामिल होते हैं। उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ तक कि उनकी कुछ वीडियो हमारे पास आई हैं जिस पर वो ट्रैक्टर पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं। यानी कि कुछ चैनल हैं और उस चैनलों से बात कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने नरेंद्र मोदी की हवाई यात्रा पर भी हमला बोला है, क्योंकि आज राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे हैं। आज राहुल गांधी किसानों के बीच में गए हैं, जो कभी कहते हैं कि हम इस तरफ से आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। वो राहुल गांधी जो अमेठी के एक क्षेत्र में जाते हैं जहां पर घास फूस को कहते हैं कि यहां तो बहुत सारे गन्ने हैं, वो राहुल गांधी जो खेतों में टाइल्स लगवाने की बात करते हैं, वो राहुल गांधी आज पंजाब में जाकर के नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं और अपने आप को किसानों का मसीहा बताते हैं, जिन्हें साहब किस ऋतु में कौन सी फसल होती है उसका जरा सा भी अनुमान नहीं है। वो किसान यात्रा में जाते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, चलिए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। बस आपसे अनुरोध है कि इस युवराज के लिए दो चार लाइन जरूर लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। सोफे वाले ट्रैक्टर पर हो रहे विवादों के बीच राहुल गांधी ने कहा, पीएम के हजारों करोड़ के प्लेन पर क्यों नहीं उठते सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर इन दिनों लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने पंजाब में खेती बचाओ यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर इन दिनों लगातार हमलावर हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उनसे जब यात्रा के दौरान ट्रैक्टर पर कुशन वाला सोफा लगाए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई पीएम मोदी के महंगे प्लेन पर सवाल क्यों नहीं उठाता, उसमें तो एक नहीं कई पलंग होंगे, मोदी ने हजारों करोड़ में वो प्लेन खरीदा। इसका मैं जवाब दे दूं, अगर राहुल गांधी सुन रहे हों या उनके कुछ भक्त सुन रहे हों तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं, वो नरेंद्र मोदी हैं, वो देश का प्रधानमंत्री है, वो फटीचर नहीं है। वो जब गरीब था, जब उसने गरीबी झेली, लेकिन आज उस पद पर है और उस पद की गरिमा रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप को देख लीजिए आप, पुतिन को देख लीजिए, उनके विमान देख लीजिए, उनके मकान देख लीजिए और उनकी सिक्योरिटी देख लीजिए, क्योंकि वो लोग एक आम आदमी नहीं बल्कि एक खास इंसान है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात राहुल गांधी को नहीं पता। आगे भी उन्होंने कुछ कहा है, वो भी मैं आपको बता दूं। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि जब चीन हमारी सीमाओं पर है तब खर्च करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसे समय में जब सरकार पूर्वी लद्दाख में हथियारों, गोला बारूद, ईंधन, भोजन और सर्दियों के लिए आवश्यक सामान पहुंचाने में लगी है। लेकिन उन्होंने नया विमान अपने लिए खरीद लिया क्योंकि उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के पास एक एयरफोर्स वन है। राहुल गांधी ने पंजाब के पटियाला में संवाददाताओं से कहा, आप इस बारे में उनसे सवाल क्यों नहीं करते। ये विचित्र है कि बोइंग 77 के बारे में कोई नहीं पूछ रहा। आज इसीलिए राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्पेशल विमान आ चुका है। उस विमान की गड़गड़ाहट राहुल गांधी के कान नहीं सुन पा रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर फोटो खिंचवा कर उसको वायरल कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को किसान का मसीहा बताते हैं जो खुद खेतों में टाइल्स लगवाने की बात करते हैं। बताते चले कि हाल में ही सरकार ने वीवीआईपी लोगों की यात्रा के लिए 8000 करोड़ का नया विमान खरीदा है,
जिसे अमेरिका से खरीदा गया है। बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे विद्रोह को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने हमले तेज करते हुए कहा कि अगर सप्रंग सत्ता में होता तो पड़ोसी देश की हमारी देश की और आंख उठाकर देखने की हिम्मत न होती। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीन के हमारे देश में घुसकर हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत इसीलिए हुई क्योंकि मोदी ने देश को कमजोर बना दिया। यहाँ पर राहुल गांधी ने उनके विमान और नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए बोला है कि आज भारतीय सेना इसीलिए कमजोर है, भारतीय देश इसीलिए कमजोर है क्योंकि कमजोर बनाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। इसके पहले 70 साल में इन्होंने हर एक आम इंसान के हाथ में राइफल दी थी, हर आम इंसान को पर्सनल सिक्योरिटी दी थी और हर घर में हर लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। इन्होंने देश को खूब मजबूत किया लेकिन वहीं पर लद्दाख की जमीन को बंजर कह के छोड़ दिया, सेना पर सवाल खड़ा किया, इमरजेंसी लगाई। इन लोगों ने कम नहीं किया था, इन लोगों ने देश को मजबूत कम नहीं किया था, बहुत प्रताड़ना की देश के साथ, इस मातृभूमि के साथ इन लोगों ने बहुत प्रताड़ना की, इसीलिए आज देश मजबूत है। ये कांग्रेस ने ही मजबूत किया है क्योंकि इन्होंने ही चीन को अपनी जमीन सौंप दी है ये कहकर कि वो बंजर है, वो खराब है, हम क्या करेंगे, इन्होंने मजबूत की थी। और आज जब भारतीय सेना में राफेल जैसे विमान, कई मिसाइलें और सेना में कई तरह की शक्तियां प्रसारित की जा रही हैं, उनको देखते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना को कमजोर किया जा रहा है, जनता को कमजोर किया जा रहा। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लिखिए, आपका भी बोलने का अधिकार है और बोलने का अधिकार आपको भी संविधान ने दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन बेटर है, कौन अच्छा नेता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप दर्शक हैं, आप ही चुनते हैं, आप ही राहुल गांधी को चुनते हैं और आप ही नरेंद्र मोदी को चुनते हैं। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी के स्पेशल विमान पर जिस तरह से राहुल गांधी पंजाब में ट्रैक्टर पर बैठकर नंगा नाच करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इस बात का जलन है कि हमने इतने साल राज किया, हमारे दादा परदादाओं ने इतने साल राज किया लेकिन हम तो नहीं खरीद पाए विमान। नरेंद्र मोदी ने कुछ ही सालों में स्पेशल विमान खरीद लिया जिसकी कीमत 8,000 करोड़ है, शायद वो ना बर्दाश्त कर पाए इतनी महंगी विमान को, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। उनका बोलना कितना सही है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, बने रहिए ऑनलाइन न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।